मुअज़्ज़िज़ सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी तस्नीम आरिफ यूं तो आपको गाहे गाहे वाक़यात सुनाते रहते हैं, लेकिन आज जो वाक़या मैं लेकर हाजिर ख़िदमत हुआ हूं, ये एक हाफिज़ साहब और शहज़ादी की दास्तान है। एक दिन एक हाफिज़ साहब शहज़ादी के महल के पास से गुज़र रहे थे। शहज़ादी कुरान की तिलावत कर रही थी, लेकिन उसकी तिलावत में गलतियां थीं। ये बात सुनकर हाफिज़ साहब ने टोका और कहा कि कुरान को ठीक से पढ़ो। और फिर किस तरह से हाफिज़ साहब उस शहज़ादी को कुरान सही पढ़ाने के लिए उस महल में दाखिल होते हैं। जब ये बात बादशाह को पता चलती है, तो फिर किस तरह से हाफिज़ साहब पर मुसीबतों के पहाड़ टूटते हैं। लेकिन जो ईमान वाला होता है और हक पर कायम रहता है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी मदद फरमाता है। यही इस वाक़े में है, किस तरह से अल्लाह तबारक व ताला ने उस हाफिज़ कुरान को फांसी के फंदे से बचाया, ये आप इस वाक़े में सुनने जा रहे हैं। कलाम लिखा है जनाब अब्दुल क़य्यूम ताज रिछोला सबल ने, और ये आवाज़ है हाजी तस्नीम आरिफ और उनके हमनवाओं की। सामईन, इसका म्यूज़िक तरतीब दिया है राजू खान जी ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली की है। रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं, और ये पेशकश है तैबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल हंसराज रलहन जी की। तो लीजिए समात फरमाइए एक शहजादी और हाफिज साहब की ये अनोखी दास्तान, समाप्त फरमाएं। सुनो ऐ ताज, दिल को थाम के इबरत का किस्सा है। सुनो ऐ ताज, दिल को थाम के इबरत का किस्सा है। सुनो ऐ ताज, दिल को थाम के इबरत का किस्सा है। ये एक हाफिज का और शहजादी की उल्फत का किस्सा है। ये हाफिज का और शहजादी की उल्फत का किस्सा है। सुनो ऐ ताज, दिल को थाम के इबरत का किस्सा है। सुनो ऐ ताज, दिल को थाम के इबरत का किस्सा है। सुनो ऐ ताज, दिल को थाम के इबरत का किस्सा है। ये एक हाफिज का और शहजादी की उल्फत का किस्सा है। हाफिज का और शहजादी की उल्फत का किस्सा है। ये हाफिज का और शहजादी की उल्फत का किस्सा है। साहिबे ईमान की बातें किया करता था जो हरदम कुराने पाक की बातें। वजीरे शाम के एक दिन महल से गुजरा वो अख्तर, यकायक रुक गया था वो कुराने पाक को सुनकर तिलावत कर रही थी। एक वजीरे शाम की दुख्तर जो पाई खामियां टोका, वहीं से उसने खुश होकर सदा आई तुम्हें क्या राह अपनी लीजिए हजरत, पढ़ूं जैसे भी मैं मर्जी मेरी है तुमको क्या दिक्कत। कहा अख्तर ने ये सुनकर गलत फहमी तुम्हारी है, सही कुरान पढ़ना हर किसी की जिम्मेदारी है। ये सुनकर बोली शहजादी तो फिर एहसान ये कीजिए, है जो भी गलतियां इसलाह उनकी आप कर दीजिए। कहा अख्तर ने ये सुनकर इरादा तो ये अच्छा है, मगर किस तरह आऊं छत पे हर एक सिमत पहरा है।
ये सुनकर बोली वो मैं हूँ वजीरे मुल्क की दुख्तर, पकड़ कर आप रस्सी बेझिझक आ जाइए ऊपर। गरज वो चढ़ गया ऊपर, उसे सब बातें समझाई। सबक में पाई थी जो गलतियां वो ठीक करवाई। सबक में पाई थी जो गलतियां वो ठीक करवाई। सबक में पाई थी जो गलतियां वो ठीक करवाई। सबक देकर अजीजो जिस घड़ी वो अपने घर आया, ये मंजर देख कर वालिद साहब ने उसको समझाया। गलत है ये तरीका ऐ मेरे बेटे, इसे बदलो यूं चोरों की तरह, रातों में मेरे लाल मत घूमो। सबब बीवी भी उससे पूछती थी दोस्त तो अक्सर, बहाना कर दिया करता था उससे कुछ न कुछ कहकर। गरज फिर हसबे आदत वो पढ़ाने जिस घड़ी पहुंचा, वहां पे गश्त करते शाह ने मंजर जो ये देखा, समझ कर चोर पकड़ा। बढ़ गई थी बेकली दिल की, यकायक बोला के साथ बड़ी ही आई मुश्किल की। ये बोला शाह चोरों की तरह चढ़ना हिमाकत है, गलत लोगों को सूली पर चढ़ाना मेरी आदत है। जो उससे बचने की हरगिज नहीं सूरत नजर आई, तो मजबूरन उसे वो कैफियत सब उसने समझाई। पढ़ाने आता हूँ शहजादी को इस तरह से छुप कर, इजाजत आप दे दे तो पढ़ाऊं मैं उसे यावर। यही है इल्तिजा, दे दीजिए कुछ लम्हों की मोहलत। यही है इल्तिजा, दे दीजिए कुछ लम्हों की मोहलत। यही है इल्तिजा, दे दीजिए कुछ लम्हों की मोहलत। सुबह होते ही मैं हो जाऊंगा खुद हाजिर खिदमत। करे कोई तरफदारी सुबह तक की रिहाई का, करूं फरमान में जारी। कहा उसने जमानत मेरे बाबा जान ले लेंगे मेरी अच्छाइयों का, आका वो इजहार कर देंगे। सुना जो हाल उसके बाप को गुस्सा बहुत आया, कहा ये शाह से पहले भी इसको मैंने समझाया। है ना फरमानिए इसकी जमानत मैं नहीं लूंगा, यही सच्चाई है हरगिज तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। अंधेरा होते ही बाहर निकल जाता है ये अक्सर, बुढ़ापे में लगाया है ये धब्बा मेरे दामन पर। ये बातें बाप की सुनकर कहा उसने मेरे बाबा, बनी है जान पर ऐसा न रुको फेरी ये बाबा। कहा वालिद ने सच को आँच हरगिज आ नहीं सकती, जरर कोई भी शे फजले खुदा पहुँचा नहीं सकती। अगर है अमल स्वाले तो हमेशा काम आएगा, मुसीबत से तुझे रब्बुल उला हर दम बचाएगा। हुआ कुर्बानी सुसने अमल को देख कर सुल्तान, हुआ कुर्बानी सुसने अमल को देख कर सुल्तान, हुआ कुर्बानी सुसने अमल को देख कर सुल्तान। कहा देखा नहीं है ऐसा अब तक नेक दिल इंसान, कहा देखा नहीं है ऐसा।
कहा तेरी रिहाई और भी अब गैर मुमकिन है, गलत है इसलिए तेरा नहीं कोई भी जामिन है। कहा एक और मौका दीजिए अपनी इनायत से, है मेरा यार वाकिफ दर हकीकत मेरी सीरत से। गुजारिश है उसी के पास ऐ सुल्तान ले चलिए, खुदारा आखिरी ख्वाहिश भी पूरी आप कर दीजिए। हुआ राजी वो फिर सुल्तान पहुंचा यार के दर पर, सदा अख्तर की सुनकर आ गया फौरन ही वो बाहर। सुना हाले मुफसल शाह से उस यार ने जिस दम, तो अपने यार के हालात पे आंखें हुई पुरनम। अदब से बोला सुबह तक कि इसको दीजिए मोहलत, न हो वादे पे हाजिर तो सजा देना मुझे हजरत। हुआ तो शाह राजी दे के मोहलत, घर पे वो आया इधर हाफिज साहब को शाह ने इस तरह समझाया। बचा कर जान मुल्क शाम से बाहर चले जाओ, कहा अख्तर ने ये सुनकर ख्याल ऐसा भी मत लाओ। मेरे बदले चढ़े सूली पे तू ये हो नहीं सकता, मेरे बदले चढ़े सूली पे तू ये हो नहीं सकता, मेरे बदले चढ़े सूली पे तू ये हो नहीं सकता। मैं अपनी जान के बदले जान तेरी खो नहीं सकता, मैं अपनी जान के बदले जान तेरी खो नहीं सकता, मैं अपनी जान के बदले जान तेरी खो नहीं सकता। सुर्दगी थी और उधर वो शाह परेशान था, करे हल किस तरह से देख के सब कुछ वो हैरान था। अगर चे बेकसूर इंसान को दी भूल से फांसी, बरोजे हश्र रब के सामने शर्मिंदगी होगी। लगाऊं हजरत लुकमान का बख्शा हुआ काजल, तो शायद कोई ना कोई निकल आएगा इसका हल। लगाते ही वो काजल में नजर हरगिज ना आऊंगा, हकीकत क्या है ये अच्छी तरह से जान जाऊंगा। ख्याल आते ही बैठा जाके उसके कमरे में छुप कर सबक शहजादी को देने, उधर से आ गया अख्तर। कहा शहजादी ने देरी से आने का सबब क्या है, बड़े ही गमजदा दिखते हो चेहरा उतरा उतरा है। सुनाया माजरा सारा ही उसको गमजदा होकर, परेशान हो गई वो किस्से पुर दर्द ये सुनकर। सुबह हो जाएगी फांसी है कुछ लम्हात की मोहलत, फिर उसके बाद दारे फानी से हो जाऊंगा रुखसत। पकड़ कर रह गई दिल हो गया था गमजदा मंजर, पकड़ कर रह गई दिल हो गया था गमजदा मंजर, पकड़ कर रह गई दिल हो गया था गमजदा मंजर। कहा कैसी खबर ये दी मैं कांप उठी जिसे सुनकर, कहा कैसी खबर ये दी मैं कांप उठी जिसे सुनकर, कहा कैसी खबर ये दी मैं कांप उठी जिसे सुनकर। बेबुनियाद इल्जामात जो तुम पर लगाए हैं, न जाने कितने दुख तुमने मेरी खातिर उठाए हैं। तुम्हें फांसी हो इससे पहले आओ वसल हम कर ले, ये दामन अपना अपना गौहरे उम्मीद से भर ले। हुआ हैरान अख्तर
बोला ये मकसद न था मेरा, ताज्जुब होता है मुझको इरादा जान कर तेरा। कुरान पाक की खातिर सही सब मुश्किलें मैंने कभी भी गंदी नजरों से नहीं देखा तुम्हें मैंने। करूँ ये कारे शैतानी जो मैं तो मुझ पे लानत है, खुदा नाराज होगा और निदामत ही निदामत है। हवस के वास्ते कैसे गवा दूं दौलत ईमान, गवारा ये मुझे हरगिज नहीं है। सुन ले ऐ नादा, बनिस्बत इसके सूली पर लटक जाऊंगा खुश होकर, मगर शैतान को हावी न होने दूंगा मैं खुद पर। खुदाए पाक से ऐ माहरू हर वक्त डरता हूँ, कभी कसदन बुराई का न कोई काम करता हूँ। ये सुनकर बोली वो पूरी जो हो ना पाई ये हसरत, ये सुनकर बोली वो पूरी जो हो ना पाई ये हसरत, ये सुनकर बोली वो पूरी जो ना हो पाई ये हसरत। तो दे दूंगी तुम्हारे बिन ये अपनी जान ए हजरत, तो दे दूंगी तुम्हारे बिन ये अपनी जान ए हजरत, तो दे दूंगी तुम्हारे बिन ये अपनी जान ए हजरत। फांसी चढ़कर घोड़ी पर हजरत में आऊंगी, बनाकर मर्द की सूरत जहर भी साथ लाऊंगी। सियाह पोशाक में हमदम खड़ी हो जाऊंगी, आकर बचश्मे तर में देखूंगी बड़ा गमनाक वो मंजर। उधर फांसी तुम्हें होगी मेरे मोहसिन मेरे यावर, इधर दे दूंगी अपनी जान एक पल में जहर पीकर। कहा अख्तर ने ये सुनकर कभी ये काम मत करना, जलाई जाओगी नारे जहन्नुम में सुनो वरना। यकीन रखो खुदाए पाक की जाते मुकद्दस पर, वही है कादिर मुतलक वही है खालिक अकबर। बुरी बातों से बचने के लिए उसको नसीहत दी, सबक दे कर वहां से रुखसती की फिर इजाजत ली। सुनिए शाह ने अख्तर की बातें हो गया हैरान, कहा बेशक बड़ा ही साहिब ईमान है इंसान। करूं कैसे इलाही तज़किरा मैं तेरी रहमत का, तेरे ही फजल से मैंने पता पाया सदाकत का। खबर सच्चाई की जो है मेरे मौला नहीं लेता, खबर सच्चाई की जो है मेरे मौला नहीं लेता, खबर सच्चाई की जो है मेरे मौला नहीं लेता। तो ना हक बेखता को भूल से फांसी में दे देता, तो ना हक बेखता को भूल से फांसी में दे देता, तो ना हक बेखता को भूल से फांसी में दे देता। यहाँ से हो के फारिग पहुँचा अख्तर शाह के दर पे, ये बोला शाह इजहारे तमन्ना मुझसे तू कर दे। कहा उसने अगर माँ बाप का दीदार हो जाए तो हो मेराज किस्मत की, दिले बेखुद सुकून पाए। खबर सुनते ही घर वाले सभी दौड़े चले आए, नजारा देख के आंखों में अपनी अश्क भर लाए। ये बोली माँ मुरादों मन्नतों से तुझको पाया है, मगर तकदीर ने गमनाक ये मंजर दिखाया है। कोई बेहोश बीवी हो गई माँ की बुरी हालत, कहा ये बाप ने कैसे सहूंगा मैं गमे फुरकत। हुई थी तेरी पैदाइश बहार आई थी गुलशन
में मची थी धूम तेरे जश्न में हर सिमत आंगन में। नजूमी ने बताया था कि ऊंची तेरी किस्मत है, तेरे हिस्से में लिखी किबरिया ने बादशाहत है। कहा अख्तर ने बाबा मौत तो हर एक को आना है, सिकंदर और लुकमा चल दिए हमको भी जाना है। ये मंजर देख के पीरो जवां आंसू बहाते थे, ये मंजर देख के पीरो जवां आंसू बहाते थे, ये मंजर देख के पीरो जवां आंसू बहाते थे। सभी थे मुबतिलाए गम कहीं तस्की न पाते थे, सभी थे मुबतिलाए गम कहीं तस्की न पाते थे, सभी थे मुबतिलाए गम कहीं तस्की न पाते थे। अपना फिर वो शहजादी चली आई, था जिसका मुंतजर वो शाह ऐ यारो घड़ी आई। वजीरे मुल्क से होकर मुखातिब शाह ने पूछा, बताओ इस जवां को आज से पहले कहीं देखा। कहा उसने कहीं देखा नहीं मैंने इसे हजरत, बताएं आप ही सरकार ये है कौन खुशकिस्मत। यूं बोला बादशाह ये है तुम्हारी लाडली दुख्तर, निदामत से ये सुनकर झुक गया नाइब का फौरन सर। कहा उसने सरे दरबार रुसवा कर दिया इसने, सिला मेरी मोहब्बत का गलत आका दिया इसने। बयां कर दी हकीकत शाह ने फिर वो सरे महफिल, मचल उठा सदाकत जान के पल में हर का दिल। कहा ऐसा कहीं भी बंदे मोमिन नहीं देखा, शराफत देख कर इसकी मेरा दिल हो गया शैदा। मसाइब सह लिए इसने कुराने पाक की खातिर, नहीं शिकवा किया कर दी खुशी से जान भी हाजिर। यकीनन ये खुदाए पाक का महबूब बंदा है, यकीनन ये खुदाए पाक का महबूब बंदा है, यकीनन ये खुदाए पाक का महबूब बंदा है। है आली शान ये और मर्तबा इसका निराला है, है आली शान ये और मर्तबा इसका निराला है, है आली शान ये और मर्तबा इसका निराला है। ये बेशक लायक ताजीम है मैं कदर करता हूँ, गुलाम पंजतन हूँ खालिक अकबर से डरता हूँ। ये कह के ताज सर पे रख दिया और सल्तनत बख्शी, नजारा देख कर फरहत में झूम उठा था हर कोई। किया फाइज तो कमरुद्दीन को नाइब के ओहदे पर, गले से लग गया जोशे तरब में यार से जाकर। मचल उठा दिले वालिद खुशी में देख के मंजर, कहा बेटे किया है फख्र से ऊंचा ये मेरा सर। तू है एक सच्चा मोमिन नेक दिल और साहिब ईमा, मेहरबान रहती है हर वक्त तुझ पे रहमत यजदा। समझ पाया न था रुतबा तेरा मैं कितना नादा हूँ, मेरे नूरे नजर में अपनी बातों पर पशेमा हूँ। तड़प कर बोला बाबा सब तुम्हारी ही बदौलत है, जो दौरे पुर फितन में भी मेरा ईमान सलामत है। हुआ फिर अक्द शहजादी से झूमे सब मसरत में, खिला हर गुंचे उम्मीद उसके बागे हसरत में। बसर खौफे खुदा में जिंदगी करता है जो इंसान, बसर खौफे खुदा में
पर ताज होती है हमेशा रहमत यज़दा, कुर्सी पर ताज होती है हमेशा रहमत यज़दा।